कहीं ना कहीं ये सरकार है वो निकम्मी है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और जब लोकतंत्र की हत्या होती है, एक माँ की हत्या होती है, एक बेटी की हत्या होती है, तो ऐसे वो एक योगी है तो वाकई में अगर वो सरकार नहीं चला पा रहे तो उनको इस्तीफा दे के गोरखपुर लौट जाना चाहिए, हमारी मांग है। बहुत ज्यादा बलात्कार इस सरकार में बढ़ गया है, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट, हत्याएं आए दिन हो रही। स्वागत है आप सबका BTS न्यूज में। मैं सद्दाम हुसैन, उत्तर प्रदेश जनपद बलिया क्षेत्र बरिया में शहीद स्मारक पर सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर हाथरस कांड का विरोध जताया। मैं पूजा वर्मा कांग्रेस की लीडर हूँ, और यहाँ पे जो चीज़ें महिलाओं के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार है वो निकम्मी है। इसलिए निकम्मी है कि 8 दिन आप लोग सब लोग देखे होंगे कि वो लड़की 15 दिन के लिए पीड़ित रही, ये क्या कारण है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो दलित की लड़की है, क्या वो गुनाह है? कहीं कंगना के लिए, रिया के लिए, उनके मीडिया वाले जो दलाल है, गोदी मीडिया है, वो आज उनके लिए सवाल उठा रही है। आज हमारी एक बहन है, बेटी है, जो अपना जान छोड़ के चली गई, और आज को उसकी माँ को लाश तक नहीं दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वो दिखाना चाहती है कि हम तानाशाही हैं, हम न्याय और कानून को नहीं मानते हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा के रख दी है। आज कहीं ना कहीं भारत को वो एक तरह का दिखाना चाहती है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और जब लोकतंत्र की हत्या होती है, एक माँ की हत्या होती है, एक बेटी की हत्या होती है, तो ऐसे ही होता है। जब सड़क पर आना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है कि जो कुर्सी मिली है इस माँ बहन बेटी की वजह से मिली है, और जब उनका सम्मान और इज्जत नहीं होगा तो ऐसे ही रोड पे उतर के और योगी को फिर हम लोग गोरखपुर भेजने का काम करेंगे, और उनके थोड़ी सी भी नैतिकता बची हो तो उनको इस्तीफा दे के वापस गोरखपुर लौट जाना चाहिए, हमारे भारतवासियों के लिए। 33 करोड़ लोग की मांग है कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए। वाकई में उनको सत्ता सुख नहीं है, वो एक योगी है तो वाकई में अगर वो सरकार नहीं चला पा रहे तो उनको इस्तीफा दे के गोरखपुर लौट जाना चाहिए, हमारी मांग है। मैं विनायक कुमार मौर्य बहुजन समाज पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर हूं, लेकिन इसमें सभी लोग हैं, हर तरह के एक जन आक्रोश है महिला लड़कियों में और सारे नौजवानों में। इसलिए यह है कि जब बहुत ज़्यादा बलात्कार इस सरकार में बढ़ गया है, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट, हत्याएं आए दिन हो रही है, और सबसे शर्मनाक बात है कि कहीं कहीं बलात्कार हुआ तो एट द वंस मैंने मौके पर ही कुछ लोगों की गोली मारी गई, हत्या किया गया, पूरे देश में मिठाई बांटा गया। लेकिन जब किसी दलित महिला लड़की के साथ बलात्कार हुआ तो प्रशासन ने अत्याचार की सीमा लांघ दिया कि उसकी लाश को भी घर वालों को नहीं दिया, जबकि धारा संविधान की धारा 21 के तहत यह अधिकार है कि किसी भी हत्यारे बिन लाश को उसके घर वालों को सुपुर्द किया जाए, ऐसा संविधान में व्यवस्था है। और इस सरकार ने इतना बड़ा अत्याचार किया है कि मनीषा की हत्या हुई और उसकी लाश को बलात्कार हुआ, मर गई, और इसके बाद उसकी लाश को जब उसकी माँ और उसकी बहन इसके आगे गाड़ी के आगे लाश को रोक रही थी कि लाश को हमको सुपुर्द किया जाए, ये योगी सरकार उसकी लाश को भी सुपुर्द नहीं किया। जो जघन्य अपराध किया, इस संविधान की अवहेलना किया है इस सरकार ने, इसलिए इस सरकार को शासन में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनके बस का नहीं है उत्तर प्रदेश, क्योंकि इतनी ज़्यादा हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं आए दिन लड़कियों का, जबकि इनकी नारा था पढ़ो बेटियां बढ़ो बेटियां, अब बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होगा, इस तरीके की नारा दे करके ये सरकार आई। बेरोजगारी और महिलाओं की सुरक्षा पर ये सरकार आई है, और आए दिन बलात्कार और हत्या हो रहा है, धारा 21 की उल्लंघन हुआ है संविधान का, लाश देने की भारत की संविधान में व्यवस्था है कि डकैत भी अगर है तो उसकी लाश को उसके परिवार वालों को सुपुर्द किया जाए, लेकिन हमारी ही बेटी के साथ बलात्कार हुआ और उसकी लाश भी घर वालों को नहीं दी गई, इसलिए बहुत अत्याचारी सरकार हो गई है। इसमें ये माना जा रहा है कि बलात्कारियों के साथ साथ सरकार कहीं ना कहीं बलात्कारियों के संरक्षण दे रही है, तभी इस तरीके की घटना हो रही है, नहीं तो पुलिस लाश को गायब नहीं करती। और रातों रात लाश किस मजबूरी में जलाया गया, इस तरीके का अत्याचार पुलिस प्रशासन किया है, इसलिए यह मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है, और भारत सरकार भी कहीं ना कहीं उसको संरक्षण दे रही है साहब, यही हमारा कहना है। इसी के आक्रोश में नमस्कार सभी साथियों को, मैं गौरव रानीगंज से, जवाहर नवोदय विद्यालय एक्स स्कूल कैप्टन बलिया से, हम चूंकि बहुजन समाज से हैं, आजकल समाज में बहुत ज़्यादा बर्बरता बढ़ चुकी है, योगी और मोदी सरकार
जो अभी चला रही है ये तानाशाही डिक्टेटरशिप चला रही है, जबकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर संविधान को पूरे एक एक पेज को नोचा जा रहा है, उसको चौथाया जा रहा है। जैसे कि योगी जो है, अभी योगी की प्रशासन पुलिस को मजबूर कर रही है जलाने के लिए हमारी बहन को, हमारी बेटी को। हथरस का जो कांड है वो ऐसी बहुत सारी कांडें रोज प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं होती रहती है और इससे विवर होती है। ये सिर्फ तानाशाही में, मतलब कि जो सवर्ण समाज है ज़्यादा से ज़्यादा यही अत्याचार कर रहा है, बहुजनों को लूटा जा रहा है, बहुजनों की बेटियों को, दलितों की बेटियों को, आदिवासी की बेटियों को इज्जत को लूटा जा रहा है, उन्हें तुच्छ समझा जा रहा है, उन्हें कोई वैल्यू नहीं है इस सरकार में। तो इसलिए हमें सभी बहुजन समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सभी लोग एकमत होइए, एकजुट होइए, बाबा साहब के संविधान पर अंबेडकरवादी विचारधारा को पालन करिए और एक साथ होइए, हाथ हाथ में हाथ दीजिए, एक साथ लड़ेंगे, सब लोग लड़ेंगे और हम जीतेंगे। इसलिए बहुजन समाज 85% SC ST OBC एकमत हो जाए, हम जीतेंगे, बाबा साहब के विचारों को फिर से पुनर्जीवित करेंगे और जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है मनीषा, उसे हम इंसाफ दिला कर रहेंगे, ये हमारा वादा है। चंद्रशेखर आजाद रावण का राणा नारा है और कन्हैया कुमार का नारा है, जय भीम जय संविधान। क्या नाम है आपका? सिपाही सिंह, अध्यापक। कहाँ से आप? मैं टिंगरी से बिलोंग करता हूँ। किस चीज़ का रैली निकाले हैं आप? ये मनीषा के बलात्कार के विरोध में हम लोग रैली निकाले हैं। इसका पूरा फुल मैटर बता सकते हैं? फुल मैटर है कि हमारा मतलब मकसद यही है कि बलात्कारियों को सजा दिलाया जाए, सजा दिला के ही रहेंगे हम सब मिल करके सजा दिलाने के, मतलब वो है सजा दिला दी जाए। फांसी की सजा हम चाहते हैं कि फांसी की सजा है। आप लोगों को कुछ कहना है? सबसे पहले तो यहाँ सभी आए भाई बंधुओं को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ कि मनीषा भवन के सम्मान में सब लोग यहाँ आए और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं दीपिका दुबे के इन सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारी मांग है कि दोषियों की फांसी की सजा हो, यही हमारा मांग है। नंजय पासवान धनुष, छात्र नेता सुधीष्टपुरी का हूँ, ग्राम पोस्ट लालगंज है। और हम लोग आज बहन मनीषा वाल्मीकि के सम्मान में आज सभी छात्रगण आज न्याय को मांग कर लेकर आज कैंडल मार्च यात्रा निकाले हैं। धन्यवाद। और भारत सरकार का यही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यहाँ पे आज के समय में बेटी जलाओ और अपराधी को बचाओ। हम इस साथ मिलाकर रहेंगे, एक साथ हमारे साथ बोलेंगे, मनीषा के हत्यारों को